कई बड़े बड़े शहर एक महामारी से बुरी तरह पीड़ित हैं। यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं और ना ही किसी भूखे कीड़ों के झुंड से हुई तबाही है, मगर फिर भी इसने करोड़ों लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। आखिर यह कौन सी महामारी है? यह महामारी है ट्रैफिक जाम। बताते चलें कि ट्रैफिक जाम में बार बार फंसने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कहा जाता है कि जिस वक्त एक व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंसता है, तब से लेकर एक घंटे तक उसे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गाड़ी से निकलने वाला धुआं, शोर शराबा और तनाव। ज्यादातर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कैंसर पैदा करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। कई गाड़ियां, खासकर वे जो डीजल इंजन से चलती हैं, धुएं के साथ बड़ी तादाद में छोटे छोटे कण हवा में छोड़ती हैं। ये लोगों की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। अंदाजा लगाया गया है कि हर साल करीब 30 लाख लोग प्रदूषित हवा से मर रहे हैं, जो ज्यादातर गाड़ियों से निकलती हैं। जिन इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या ज्यादा है, वहां पर संक्रमण का प्रतिशत और भी ज्यादा है। पृथ्वी के वातावरण को होने वाले खतरे के बारे में भी जरा सोचिए। गाड़ियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा से झीलों और नदियों का पानी खराब होता है, उनमें मौजूद प्राणियों को खतरा होता है और तरह तरह के पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, गाड़ियों से बड़ी मात्रा में निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हालात को और भी बदतर बना रहा है। सर, पहली बात तो यहाँ फोर वे लाइन नहीं है, और दूसरी बात, नो एंट्री, कोई टाइमिंग नहीं है। कब ट्रक छोड़ दें, कब चालू कर देते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऑटो का कोई नियम नहीं, कानून नहीं है। और ई रिक्शा वाले जहाँ जाते हैं वहाँ मोड़ देते हैं, आपको देखते नहीं पीछे कौन आ रहा है, पीछे कौन नहीं आ रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ मोड़ देते हैं अपने आप से। ऐसे ही हालात बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट के हैं, जहां पुलिस की सख्ती के बाद भी जाम से निजात पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसकी मुख्य वजह है प्रयागराज झांसी मुख्य मार्ग। कोई बाईपास मार्ग न होने के चलते सवारी वाहन से लेकर भारी भरकम वाहन इसी मार्ग से होकर बीच शहर से गुजरते हैं, जिसमें हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। यात्री तो हलाकान होते ही है, साथ में स्कूल जाने वाले बच्चे, अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। चित्रकूट में अधिकतर जाम में जाम की स्थिति बेड़ी पुलिया, मंदाकिनी नदी पुल, बस स्टैंड, ट्रैफिक चौराहा, पटेल चौराहा, चकरेही चौराहा, गल्ला मंडी रोड आदि जगहों पर तो लोगों से मारपीट व हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। सर, बहुत जाम होता है और निकलने में बहुत दिक्कत होती है, बार बार देखना पड़ता है इधर कोई गाड़ी ना छूटे वगैरह वगैरह। चाहता हूँ कि ये जो भी गाड़ी चलती है, इनमें जो है हारन कसर हारन है, इनको बंद करा दिया जाए। जी जी, इससे धन प्रदूषण होता है, माने लोग बैठे हुए जा रहे हैं। जी जी, यातायात माह में यहाँ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्कूलों में नुक्कड़ सभाएं, गोष्ठियां कर समय समय पर लोगों को जागरूक करने का कार्य तो किया जाता है, पर यह भी मेहनत लोगों के लिए भैंस के आगे बीन बजाए की तरह निष्क्रिय साबित हो रही है, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों की गिनती में इजाफा होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की जान को खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हर साल देश में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए, इस पूरे नवंबर में प्रत्येक दिन कोई ना कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम है स्कूल कॉलेजेस में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें उनके बच्चों को और जो खासकर 12th 11th 12th के बच्चे हैं, जो नए अभी गाड़ी चलाने की स्थिति में आने वाले हैं, उनको ट्रैफिक नियमों के संबंध में शिक्षित किया जा रहा है और ट्रैफिक की अवेयरनेस, जागरूकता उनको बताया जा रहा है, विशेषकर हेलमेट लगा के चलने और सीट बेल्ट लगाकर चार फोर पे वाहन चलाने समय किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न चौराहे पे और अन्य गोष्ठियाँ भी की गई हैं। कल ही हम लोगों ने काफ़ी बड़ी गोष्ठी की है, जिसमें सभी लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है इसके संबंध में विस्तृत से बताया गया। ट्रैफिक जाम से एक और मुसीबत उठ रही है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है पुलिस का गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करना। आज ऐसे वाकये आम हो गए हैं। घर से निकलने से पहले लोगों के जहन में यह सवाल बार बार उठता है कि आज ट्रैफिक कितना होगा। ट्रैफिक की समस्या हल करने की लाख कोशिशों के बावजूद यह कैसे बद से बदतर होती जा रही है, यह एक गंभीर विषय है। कौन है इन सबका जिम्मेदार? जगह जगह पे जो है कॉलेजों में और बच्चों के माध्यम से और अन्य जनता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग जो है कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगा कर चलें, ताकि अपना कम हो और सुरक्षित रहें और यातायात व्यवस्था
काफी चौराहे पे हमारे सिपाही का कई चौराहे पे सिपाही रहते हैं और इसकी जो है आवागमन के ज़्यादातर जो है सुबह जो लड़के निकलते हैं उनके लिए जो है सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ सुबह जो है 7 बजे से 10 बजे तक सुबह और शाम को जो है 5 से 8 बजे की सिक्योरिटी